पराठा एक ऐसी डिश है जिसे हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच तीनों में खाना पसंद करते हैं। तो आज हम यहाँ पे हेल्दी पराठा बनाएंगे, पालक पनीर पराठा। और ये जो पराठा है वो बहुत ही टेस्टी लगता है, जैसे हम ढाबा में या फिर रेस्टोरेंट में खाते हैं पराठा, बिल्कुल वैसा ही घर पे बनता है। और इसे हम थोड़ा सा यूनिक वे में बनाएंगे। तो चलिए क्विक एंड ईजी पालक पनीर पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक डो प्रिपेयर करेंगे। तो बाउल में 3 कप जितना गेहूं का आटा ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर और 2 चम्मच जितने चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे। मैंने 1 बाउल जितनी पालक ली है इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद इस तरह बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। पालक की मात्रा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग टू कम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 चम्मच जितनी बारीक कट की हुई हरी धनिया, अगर आपके पास हरा लहसुन है तो वो भी आप इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना के प्रिपेयर कर लेंगे। जब भी हम पराठा बनाते हैं तो उसके लिए हमेशा हमें सॉफ्ट डो ही बनाना है, उसी से जो हमारे पराठा है वो फटते नहीं है जब हम इसके अंदर स्टफिंग भरते हैं। तो अभी जो डो है वो अच्छे से नीड हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच इतना ऑयल ऐड करेंगे और फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से नीड कर लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक डो रेस्ट पे है तब तक यहाँ पे हम स्टफिंग प्रिपेयर कर लेंगे। तो बाउल में 150 ग्राम जितना ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ क्यूब लिया था और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, तो वो ऐड कर देंगे। 3 चम्मच इतनी चॉप की हुई ओनियन, 1 चम्मच ग्रीन चिली, 1 चम्मच चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग और 1 लहसुन की कली को हम ग्रेट करके ऐड करेंगे। इसमें हमें सिर्फ माइल्ड लहसुन की फ्लेवर चाहिए, ज़्यादा नहीं ऐड करना है लहसुन। अगर आप इसमें चीज़ ऐड नहीं करना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह आप बारीक कट करके कैप्सिकम, बॉईल करके कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये जो स्टफिंग है वो आप काफ़ी सारी रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सैंडविच बनाने के लिए, फिर आप इसे समोसा बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डो में से हम मीडियम साइज़ का बॉल बना के प्रिपेयर कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा भी लोई नहीं बनानी है और ज़्यादा छोटी भी लोई नहीं बनानी है। इसे थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और इस तरह हम छोटा सा इसे बेल लेंगे। अब इसके अंदर हम स्टफिंग फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्टफिंग फिल कर रही हूँ। स्टफिंग की मात्रा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग टू कम और ज़्यादा फिल कर सकते हैं। अब इस तरह हम इसे कवर कर लेंगे। अगर हम पराठा का सेमी सॉफ्ट डो या फिर हार्ड डो बनाते हैं तो जब हम स्टफिंग फिल करते हैं और उसके बाद जब हम पराठा को बेलते हैं तो जो सारा स्टफिंग है वो पराठा के बाहर निकल जाता है। हाथ से इस तरह हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इसे हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ का पराठा बेल के प्रिपेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम पराठा बनाते हैं कोई भी, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ का ही ध्यान रखना है। एक तो हमें आटा सॉफ्ट गूंदना है और जब हम पराठा को बेलते हैं तो इसे हल्के हाथ से बेलना है। अब यहाँ पे जो पैन है वो हल्की सी गर्म हो गई है, तो इसके ऊपर हल्का सा घी अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद पराठा को प्लेस कर लेंगे और इसे मध्यम आँच पर हम रोस्ट कर लेंगे। तो जो नीचे की साइड है वो अच्छे से सेक गई है, तो इसे पलट लेंगे। दोनों साइड अच्छे से सेक जाए उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इसे हम मध्यम आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन जैसा बनके तैयार ना हो जाए। ये जो पराठा है इसे आप बच्चे के लंच बॉक्स में भी भर के दे सकते हैं, इवन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, या फिर आपको डिनर में कुछ हल्का फुल्का खाना है तो इस तरह के पराठे बना के भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पराठा है वो परफेक्ट तरीके से सेक गया है। तो इसे हम वायर रैक के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। कभी भी हमें इसे प्लेट में नहीं ट्रांसफ़र करना है। अगर हम गरम गरम पराठा को प्लेट के ऊपर तुरंत ही ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी वजह से जो उसका जो ऊपर का लेयर है वो क्रिस्पी बना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्विक एंड ईजी टेस्टी पालक पनीर पराठा बन के तैयार हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद आएगा।
अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों।